अमेरिका के एडिटोरियल कार्टूनिस्ट डेविड हॉर्सी का कहना है कि जब तक राजनीतिक बातचीत पर गुस्सा, डर और मिस इन्फॉर्मेशन हावी रहेगा, लोगों का एक बहुत बड़ा समूह काल्पनिक खतरों के इलाज के रूप में हिंसा करने को पूरी तरह से उचित ठहराता रहेगा। हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। एक बार फिर हम हाजिर हैं बीते हफ्ते के फैक्ट चेक्स के साथ। यहां हम बात करेंगे पिछले हफ्ते भर में किए गए कुछ मुख्य फैक्ट चेक्स के बारे में। इन सभी रिपोर्ट्स को आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए altnews.in/hindi पर जाना होगा। चलते हैं अपने पहले फैक्ट चेक की तरफ, जो है दक्षिण अफ्रीका और वहां भेजी गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जुड़ा हुआ। द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 10 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लौटाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका की सरकार ने ऐसा करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां वायरस का जो नया वेरिएंट है उस पर ये वैक्सीन बहुत असर करती नहीं दिख रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट अपडेट कर दी थी, मगर अपडेट किए जाने से पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स के इस दावे को कोट किया और फिर यहां से कई मीडिया हाउसेज ने खबर बनाकर इसे पेश किया। असल में क्या हुआ था यह समझने के लिए जरूरी है कि हम पूरी क्रोनोलॉजी समझें। जनवरी 2021 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 15 लाख डोज मंगवा रहे हैं। 1 फरवरी 2021 को उन्हें पहली खेप में 10 लाख डोज मिली। फरवरी के पहले ही हफ्ते में एक खबर भी मिली कि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह मालूम चला कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट 501.V2 पर यह वैक्सीन कारगर नहीं है। इसके बाद 16 फरवरी को कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि साउथ अफ्रीका सरकार ने वो 10 लाख डोज वापस करने का मन बनाया है। ठीक उसी दिन दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ज़ुएली मखीज ने इन दावों को खारिज किया और बताया कि सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 10 लाख डोज वापस नहीं करेगी, बल्कि वो वैक्सीन्स अफ्रीकन यूनियन को दी जाएंगी। इसके बाद 16 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के पास जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स की पहली खेप आई और वहां 40,000 स्वास्थ्यकर्मियों को इसका टीका भी लगा। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री की इस मामले पर सफाई के बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना आर्टिकल अपडेट कर दिया, लेकिन रॉयटर्स से उठाकर जिन भी मीडिया आउटलेट्स ने खबर बनाई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। आपको बता दें कि यहां समय की पाबंदी के चलते हम इस मामले को बेहद समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने रख रहे हैं। जिग्नेश और साहिबा की तैयार की गई इस रिपोर्ट को तफसील से आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट चेक की तरफ, जो है रिपब्लिक भारत से जुड़ा हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा में किसान पंचायत में भाषण दे रही थी। भाषण के दौरान लोग अचानक कांग्रेस शासित राजस्थान की एक कथित रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नारे लगाने लगे। प्रियंका गांधी को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। नाबालिग के माता पिता ने आरोप लगाया कि यूपी बॉर्डर के नजदीक स्थित भरतपुर में उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। परिवार वालों के साथ कुछ प्रदर्शनकारी भी मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। गौर करें कि वीडियो में विरोध करता दिख रहा एक शख्स वही है जो हाथरस में एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहा था। इसके बाद रिपब्लिक भारत ने सोर्सेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और प्रियंका गांधी रेप पीड़िता की गुहार सुने बिना वहां से चली गई। चैनल ने ये रिपोर्ट ट्वीट भी की थी, लेकिन असलियत यह है कि प्रियंका गांधी स्टेज से उतरकर पीड़िता के परिवार से बात करने पहुंची थी। कई मीडिया आउटलेट्स ने यह खबर भी दिखाई थी। कई पत्रकारों ने भी जो वहां मौजूद थे वहां जो कुछ भी हुआ ट्वीट किया था। यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी ने पीड़िता की बात सुनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात करते हुए एक्शन लेने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्वीट डिलीट करिए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ ही देर बाद रिपब्लिक भारत का ट्वीट डिलीट कर दिया गया। रिपब्लिक भारत ने दूसरा आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी ने सभा में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और सीएम से बात कर एक्शन लेने के लिए कहा। चलते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो है नासा और उसके मंगल ग्रह पर बनाए एक वीडियो के बारे में। एक वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को मंगल ग्रह पर लैंड हुए परसिवरेंस रोवर के हवाले से आया ऑडियो वीडियो है। आप ये वीडियो देखिए।
एनोनिमस नाम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए गए इस वीडियो को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। ओडिशा के न्यूज आउटलेट कलिंगा टीवी, द हिंदू के उप संपादक श्रीनिवासन रमानी और मुंबई के कैक्टस कम्युनिकेशंस में इंपैक्ट साइंस को लीड करने वाली हरिणी कालामुर ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया। असल में इस वीडियो के विजुअल्स 2020 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा खींची गई पैनोरामिक इमेजेस के हैं। इस वीडियो में दो हिस्से हैं, साउंड और विजुअल्स दोनों अलग अलग मौके से लिए गए हैं। विजुअल्स क्यूरियोसिटी रोवर की उस पैनोरामिक इमेज के 360 डिग्री वीडियो का है जो कि नासा ने ही रिलीज किया था। ऑडियो भी मंगल ग्रह का ही है जिसे नासा ने दिसंबर 2018 में रिलीज किया था। उस वक्त नासा के इनसाइट लैंडर ने ये आवाजें अपने सीज़मोमीटर और एयर प्रेशर सेंसर के जरिए रिकॉर्ड की थी। हालांकि ये पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर वायरल वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वो यहीं से ली गई है। मगर हाँ, पक्के तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि वायरल वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो परसिवरेंस नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी रोवर से लिए गए विजुअल्स का है। मंगल ग्रह से वापस धरती पर लौटेंगे और चलेंगे अमरावती, जहां लगाए गए लॉकडाउन से जोड़कर शेयर किया जा रहा है एक पुराना वीडियो। कोविड केसेस बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती समेत कुछ अन्य जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य के बाकी हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और दावा किया जा रहा है कि यह अमरावती में लॉकडाउन का नजारा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस वाले बाइक, साइकिल और अन्य वाहनों से जा रहे लोगों को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। असल में ये वीडियो पुराना है, साल भर पुराना। 24 मार्च 2020 को इंडियन रेलवे ट्रैवलर AK नाम के YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया हुआ मिला। उससे पहले 22 मार्च को रविवार के दिन पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ये इसी मौके का वीडियो है। वीडियो में दिखने वाली एक दुकान के आधार पर हम इस बात की भी पुष्टि कर पाए कि अमरावती का ही है। अमरावती के राजकमल चौक पर ही ये आसाम टी सेंटर है। यानी सोशल मीडिया यूजर्स 2020 में लगे जनता कर्फ्यू का वीडियो हालिया बताकर शेयर कर रहे हैं, जबकि ये वीडियो अमरावती का ही है लेकिन एक साल पुराना है। तो ये थे हमारे आज के फैक्ट चेक्स। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए जाएं हमारी वेबसाइट पर। आप ऑल्ट न्यूज की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप खुद को गलत दावों या गलत जानकारियों के बारे में अपडेटेड रख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो रिपोर्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन की इस लड़ाई में हम सभी और मजबूत हो सके। मेरा नाम है केतन। ऑल्ट न्यूज में अपना भरोसा यूं ही बनाए रखें, आपका भरोसा हमारी ताकत है।